हाय गाइस कैसे हो आप सब एंड आई होप यू आर ऑल फाइन तो वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ अलग होता है सबकी सेंसिटिविटी अलग होती है सबका खेलने का अंदाज अलग होता है तो ऐसे में अगर आप लोग किसी से सेंसिटिविटी लेते तो हो इसके सिर्फ टेन परसेंट चांसेस होते हैं कि वो आप लोगों के पास भी बिल्कुल सेम ही वर्क करेगी लेकिन अगर आप लोग एक अपनी खुद की सेंसिटिविटी बनाओगे तो आप लोगों की गेम भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आप लोग उस सेंसिटिविटी के ऊपर अच्छे से परफॉर्म भी कर सकोगे तो बिना

एम टारगेट से थोड़ी आगे जा रहा है मतलब ये जिस तरह मेरा एम थोड़ा सा आगे जा रहा है टारगेट से तो इसके लिए आप लोगों ने इसे माइनस फाइव कर देना है और अब अगर एम आप लोगों का थोड़ा सा पीछे जा रहा है टारगेट से जिस तरह से ये मेरा तो थोड़ा सा एम पीछे जा रहा है टारगेट से तो इसको आप लोगों ने प्लस टू पर कर देना है अब यहाँ पर तो आप लोगों को टीपीपी टीपीपीप का तो पता लग ही गया, गया होगा कि इसका क्या काम होता है सेंसिटिविटी के अंदर तो अब बात करते हैं इस रेड डॉट के बारे में तो इसका क्या काम होता है सेंसिटिविटी के अंदर ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ तो आप लोगों ने स्कोप खोल टारगेट पर एम करना है अगर आप लोगों का एम टारगेट से थोड़ी आगे जा रहा है तो आप लोगों ने सेंसिटिविटी में आके इसको माइनस फाइव कर देना है उसके बाद आप लोगों ने अपना एम दोबारा टारगेट के ऊपर करना है अगर आप लोगों का स्कोप टारगेट से थोड़ी पीछे जा रहा है तो आप लोगों ने उसको प्लस टू पर कर देना है अब इसी तरह आप लोगों ने बाकी स्कोप को भी एडजस्ट कर लेना है अपने एम के हिसाब से सेम यही प्रोसेस होगा उसका भी तो अब आप लोग देख सकते हो कि मेरा एम बिल्कुल टारगेट के ऊपर फिक्स बैठ रहा है तो इसी तरह आप लोगों ने भी इसे सेट कर लेना है अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को अपनी खुद की सेंसिटिविटी बनाना कितनी जरूरी है तो अब बात कर लेते हैं इस एडीएस सेंसिटिविटी के बारे में इसका क्या काम होता है सेंसिटिविटी के अंदर इसके लिए आप लोगों ने दोबारा से ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है

कर लेनी तो है तो चलते हैं जायरोस्कोप के ऊपर लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर लेना है क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के पीछे काफी सारी मेहनत लगती है तो अब बात करते हैं जायरोस्कोप के बारे में जायरोस्कोप का क्या काम होता है सेंसिटिविटी के अंदर ये तो आप लोगों को पता ही होगा तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है टीपीपी नोस्कोप अगर मैं इसको फुल जीरो पर कर देता तो मैं अपने जायरोस्कोप को भले जितना भी हिला लू ये बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला मतलब अगर मैं अपने एम को जायरो से कंट्रोल करूंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं सेट होगा इसके लिए आप लोगों ने जायरोस्कोप में आ जाना और टीपीपी नोस्कोप वाले ऑप्शन को आप लोगों ने टू फिफ्टी पर कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने अपना एम टारगेट के ऊपर करना है और जायरोस्कोप का यूज करना है इस दफा आप लोगों ने थमका यूज नहीं करना अगर आप लोगों का एम टारगेट से थोड़ी आगे जा रहा है तो आप लोगों ने दोबारा से सेंसिटिविटी के अंदर आ जाना है और इस वाले ऑप्शन को माइनस फाइव कर देना है इस दफा दोबारा से आप लोगों ने अपना एम टारगेट के ऊपर करना है और जायरोस्कोप का ही यूज करना है थमका नहीं करना अगर आप लोगों का एम टारगेट से पीछे जा रहा है तो आप लोगों ने इससे प्लस टू पर कर देना है तो अब यहाँ पर मेरा एम बिल्कुल टारगेट के ऊपर बैठ रहा है तो मतलब यहाँ पर मेरा ये भी सेट हो चुका है तो अब बात करते हैं इस रेड डॉट के बारे में और अगर मैं इसे बिल्कुल जीरो पर कर देता हूँ और अपना एम अगर टारगेट के ऊपर करके जायरोस्कोप का यूज करूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला और अगर मैं इस ऑप्शन को फुल कर दूँ तो फिर अगर मैं अपना एम जायरो से कंट्रोल करूं और स्कोप तो आप लोग देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा हिल रहा है मतलब मेरी कंट्रोल से तो बाहर ही है आप लोगों ने इस ऑप्शन को थ्री हंड्रेड पर कर देना है और फिर अपना एम टारगेट के ऊपर करके जायरोस्कोप का यूज करना है अगर आप लोगों का एम टारगेट से थोड़ी आगे जा रहा है तो आप लोगों ने इसे माइनस फाइव पर कर देना है और फिर दोबारा से अपना एम टारगेट के ऊपर करना है और अगर इस दफा आप लोगों का एम टारगेट से थोड़ी पीछे जा रहा है। तो फिर आप लोगों ने इसे प्लस टू पर कर देना है और इस दफा आप लोग देख सकते हो कि मेरा एम बिल्कुल टारगेट के ऊपर जा रहा है मतलब ये वाला ऑप्शन भी मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है और फिर इसी तरह आप लोगों ने बाकी स्कोप को भी एडजस्ट कर लेना है अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज